मुख्यमंत्री ने कल हरियाणा प्रदेश का बजट पेश किया है और किस प्रकार से बजट को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल बजट पेश किया गया है सर, प्रदेश का कैसे देखते हैं, पूरा आकलन आपने किया है बजट को लेके? देखिए, बजट जो है ये खोखला बजट है जी। कोई विकास की तरफ कोई कदम नहीं उठाए गए, ना विकास के लिए कोई पैसा रखा गया खास, और ये सिर्फ जगलरी ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, और एक लाइन में कहोगे तो फेल्ड सरकार का फेल्ड बजट है। फेल्ड सरकार का फेल्ड बजट। आप इसको लोगों को उम्मीद थी कि ये इलेक्शन ईयर है, अच्छा बजट देंगे, लोगों को राहत देंगे। राहत देने की वजह उनका मजाक उड़ाया गया। अब कहा गया किसानों का दरा बयाना माफ कर दिया। सर, कर्जे माफ की बात करो ना, दरियाबान के तो कोई दे ही नहीं रहा था अभियाना जो है, तो ये बात है कि कोई वो नहीं, कोई ना गरीब आदमी के लिए कुछ है, ना मतलब किसान के लिए कुछ है इनमें, ना और किसी और वर्ग के, ना युवाओं के लिए है। नौकरी की बात थी, 2 लाख पद खाली खड़े पड़े हैं, कोई बात नहीं कही किसी वर्ग के। सर, कहीं ना कहीं कर्ज को लेकर भी जिक्र होता है जब भी बजट आता है, आप भी कहते हैं कि प्रदेश को कर्ज में ले जाया जा रहा है। आंकड़ों में बहुत फर्क जो है वो देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री कुछ आंकड़े बताते हैं, आप कुछ, वो आंकड़ों का फर्क कैसे आता है और कर्ज पर प्रदेश पर कर्ज की अगर बात की जाए तो कितना कर्ज इस बार बढ़ा है सर? देखिए, आंकड़ों का फर्क ये है कि कर्ज जो है RBI की नॉर्म्स है जी, तो ये छुपाते हैं उस बात को, छुपाया इन्होंने जी। इन्होंने कर्ज दिखाया है, एक इंटरनल डेप्टी दिखाया है 3,17,982 का, लेकिन जो स्मॉल सेविंग का है 44,000 करोड़ वो नहीं दिखाया RBI की ये इंस्ट्रक्शन, वो भी आपके कर्ज में देना है ना सरकार ने पैसा। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट की गारंटी है PSUs के लिए 43,995 करोड़ उनका नहीं दिखाया। फिर अनपेड जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 46,193 वो नहीं दिखाया। तो कुल आज कर्जा 4,51,368 करोड़ है जी। और जो कि ये कह रहे हैं नॉर्थ में है, अगर 4,51,368 करोड़ देखोगे तो वो 41.2% ऑफ GSDP बनता है जी। जबकि नॉर्म्स 33% के हैं, वो नॉर्म्स भी क्रॉस कर दी। कहीं ना कहीं सर, एक और मामले पर लेकर तीखी तलख टिप्पणी जो आपकी तरफ से सदन में देखी गई थी, राजस्थान को पानी देने की बात जो है वो कही गई थी, हरियाणा सरकार ने MOU साइन किया है, वो पूरा मामला क्या है? बल्कि आपने ये कहा था कि राजस्थान की 3 नदियों का पानी हमें मिलना चाहिए, ये कुठारा घात है हरियाणा के हित का जी। देखिए, राजस्थान से 3 नदियां आती है, कृष्णावती है और ये 3-4 जो है वो एग्रीमेंट हुआ हुआ है, उसका पानी नहीं रोकेंगे, उसका सरप्लस पानी हरियाणा में आएगा जी। जैसे मसानी ब्रांच बना हुआ है वहाँ, उसी के लिए बना था, उसी नदी के लिए, वो तो उन्होंने वहां तो अपने यहाँ डैम लगा लिए, ये जो हमारे डैम लगे उनको पाइप से पानी दे रहे हैं, कोई औचित्य नहीं। बल्कि जो इन्होंने सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूंगा मैं, जो फैसला लिया इस सरकार ने, दादूपुर नलवी नहर को आंटने का काम किया, वो एक ऐसा था जो इसका जब ना सरप्लस पानी का इस्तेमाल हो सकता था जी। और वो वहाँ से जो कई जिले हैं, कई ब्लॉक हैं जो वाटर टेबल बहुत नीचे गया हुआ है, डार्क जोन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करके, उनका वाटर टेबल बढ़ सकता था। दूसरा, सरप्लस पानी अगर जमुना में भी जाता आगे तो जहाँ फरीदाबाद और ये मेवात के लिए रेनीवेल स्कीम लगाई हुई है वो भी कामयाब होती है, वहाँ भी स्तर बढ़ता है। सर, अंतिम सवाल रहेगा सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सहमति बन गई है लोकसभा चुनाव में एक साथ आने को, एक सीट आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की गई दी गई है और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की डिमांड थी कि 3 सीट हमें दी जाए सर। चलो, वो तो बातचीत चलती है लेकिन नेगोशिएशन हो गई है जी, फैसला हो गया और सीटों को देखते हुए एक सीट पार्टी ने देने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़े जाएंगे सर? विधानसभा के चुनाव होंगे तो अब तो अपने खुद में सक्षम है ही लड़ने के लिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जिनकी तरफ से बताया गया कि बजट जो है वो सिर्फ नंबर्स का गेम है और कहीं ना कहीं बजट में आम आदमी को हित में बजट जो है वो पेश किया जा सकता है, आम आदमी के साथ बजा किया गया है। वहीं कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसको देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी बात जो है यहां रखी है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कलिमन, हरियाणा न्यूज।